आपको पहले बता दूं दोस्तों कि अगर आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हो तो आपको अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने होते तभी दोस्तों आप अपने चैनल से मतलब YouTube से पैसे कमा सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, मैं आपको सारे तरीके बताने वाला हूं। प्लस दोस्तों आज मैं आपको अपने YouTube चैनल की अर्निंग दिखाना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल की अर्निंग देखो कि मैं महीना YouTube से कितना रुपया कमाता हूं। ठीक है दोस्तों, आप साइड में यहां पर देख सकते हो ये जो अर्निंग दोस्तों आपको दिख रही है ये सिर्फ और सिर्फ 28 दिनों की अर्निंग है। आप देख सकते हो यहां पे 3.8 के डॉलर दिखा रहा है, यहां पर ये डॉलर में अर्निंग दिखा रहा है। दिखाता हूं कि ये इंडियन रुपीज में ये कितना होता है। चलिए दोस्तों यही से कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे इसको कन्वर्ट करके फिर दोस्तों आप देखोगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि 3 लाख से ज्यादा रुपया दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 28 दिनों की अर्निंग है। ये मेरी पिछले महीने की अर्निंग है, आप देख सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं दोस्तों, ये पैसे दोस्तों आप भी कमा सकते हो। एक टाइम था दोस्तों कि मैं भी आप ही की तरह बैठ कर ये वीडियो देखा था कि चैनल कैसे बना, ठीक है ना। और फिर हम चैनल बनाकर दोस्तों यूट्यूब पर मेहनत किए और आज आप देख सकते हो कि हमारी इतनी अर्निंग यहाँ पे महीने हो रही है। और अगर आज इस वीडियो को दोस्तों अगर आप पूरा कंप्लीट देख लोगे दोस्तों मैं आज आपको सब कुछ सिखा दूंगा, चैनल कैसे बनाते हैं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाना है, चैनल की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, अगर आप ये सारा चीज ऑन कर लोगे दोस्तों तो दोस्तों आप भी इतने पैसे कमा सकते हो। यहाँ दोस्तों क्योंकि मैं भी यार जीरो से स्टार्ट किया था, जैसे आज आप जीरो से स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको यूट्यूब के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपको जीरो नॉलेज यूट्यूब के बारे में, ठीक है ना। मैं आज आपके सामने एक लाइव यूट्यूब चैनल आपको बनाकर दिखाऊंगा कि चैनल कैसे बनाते हैं, उस चैनल की जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, चाहे छोटी सेटिंग हो चाहे बड़ी सेटिंग हो, जो जो सेटिंग है दोस्तों सारी सेटिंग्स आपके सामने ऑन करूंगा, ताकि अगर आप सेटिंग सही से कर लेते हो अपने चैनल की, सारे सेटिंग ऑन कर लेते हो, उसके बाद दोस्तों अगर वीडियो अपलोड करोगे ना तो आपकी वीडियो पे व्यूज आते आते हैं, यूट्यूब आपकी वीडियो को रिकमेंड करता है, आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों चैनल की इंपॉर्टेंट सेटिंग को हमेशा ऑन करना चाहिए, आप में से काफी लोग ऑन भी नहीं करते हैं। अगर वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब मान लो दोस्तों कि आपको यहाँ पर एक यूट्यूब चैनल बनाना है, तो चैनल बनाने से पहले दोस्तों यूट्यूब चैनल के लिए स्पेशल यूट्यूब चैनल के लिए एक ईमेल आईडी बनाइएगा। अब यूट्यूब चैनल के लिए ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, आइए दोस्तों आपको साइड में देखते भी रहिए और सीखते भी रहिए। ध्यान से देखिए दोस्तों हर एक स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया यार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देख सको। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है यार एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको दोस्तों क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फोन में अपना जो भी यूट्यूब एप्लीकेशन है ना इसको ऑन कर लीजिए। आप देख सकते हो साइड में यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में आपको यहाँ पर एक लोगो दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस आइकन पर क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा होगा ऐड अकाउंट, ठीक है ना। ऐड अकाउंट आपको यहीं पर क्लिक करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्लिक करिएगा दोस्तों, आप यहाँ से आप रीडायरेक्ट हो जाओगे जीमेल एप्लीकेशन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ से रीडायरेक्ट हुए, आप यूट्यूब से। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने लिखा होगा यहाँ पर क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा यहाँ पर फॉर माई सेल्फ और यहाँ पर मैनेज माई बिजनेस, ठीक है। तो आप अपने लिए बनाना चाहते हो, आपका खुद का चैनल है, आप इसको मैनेज करोगे दोस्तों, तो आप यहाँ पर कर दो फॉर माई सेल्फ, अपने लिए बना रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करो। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पहला नाम और यहाँ पर आपका जो भी सर नेम है आपको यहाँ पर फिल करना होगा। चलिए यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। नाम लिखने के बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर नेक्स्ट बटन होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, हर एक स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी बर्थडे होगा आप यहाँ पर अपना बर्थ डेट यहाँ पर लिख दीजिएगा, अपना जेंडर यहाँ पर लिख दीजिएगा। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप क्लिक करोगे अब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जीमेल एड्रेस बनाने का, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पर बना सकते हो अपने नाम से रिलेटेड, जो आपने फर्स्ट नेम और सर नेम में लिखा था। चलिए यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड लिखना होगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दोस्तों आपको यहाँ पर बनाना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यहाँ पर एक लेटर लिखने होंगे, कुछ नंबर लिखने होंगे, कुछ सिंबल लिखने होंगे। चलिए दोस्तों आपके सामने मैं यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहाँ लिखा होगा यस आई एम इन, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर फिर लिखा होगा नेक्स्ट, आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। और फिर दोस्तों आप स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहाँ लिखा होगा आई एग्री, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो ईमेल आईडी है ना आपका यूट्यूब चैनल के लिए वो यहाँ से बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपका यहाँ पर ईमेल आईडी बन गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों आपको चैनल कैसे बनाना है आप ध्यान से देखो। जैसे ईमेल आईडी आपका बन जाएगा आपको रीडायरेक्ट कर देगा कहां पर, यूट्यूब पर ही। और आप दोस्तों यहां पर देख सकते हो कि हमने जो अभी ईमेल आईडी बनाया था वही यहां पर अपने आप से यहां पर साइन इन हो गया, आप देख सकते हो यहां पर। चलिए आपको यहां पर क्लिक करिए प्रोफाइल पर, आप देख सकते दोस्तों यही ईमेल आईडी तुमने बनाया था, आप देख सकते हो यहां पर। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहां पर आपको एक चैनल बनाना है। चैनल बनाने में आपको क्या करना है, यहां पर लिखा होगा योर चैनल, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपने ठान लिया कि आपको यूट्यूबर बनना है तो, ठीक है। यहां पर लिखा है योर चैनल, आपको योर चैनल पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों यहां पर नीचे लिखा हुआ क्रिएट चैनल, ठीक है ना। क्रिएट चैनल, क्रिएट चैनल पर आपको यहां पर क्लिक कर देना, कुछ नहीं करना है, बस क्रिएट क्लिक कर देना, ठीक है ना। क्रिएट चैनल पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे दोस्तों आप देख सकते हो आपका चैनल यहां पर बन गया। आपने जो भी अपने नाम से ईमेल आईडी बनाया था वो नाम आपको यहां पर शो कर रहा है, ये आपके चैनल का नाम बन गया, ठीक है। और नीचे आप यहां पर देख सकते हो होम, प्लेलिस्ट, चैनल, अबाउट, जैसे लोगों का चैनल दिखता है वैसे ये भी यहां पर दिख रहा है, ठीक है। अब दोस्तों ये सिर्फ आपने चैनल बनाया है लेकिन ये चैनल आपका पूरा तरीके से तैयार नहीं है, ये 10% भी नहीं है दोस्तों आपका चैनल बना हुआ, ठीक है। अभी इस चैनल की इंपॉर्टेंट सेटिंग है, जब तक चैनल की इंपॉर्टेंट सेटिंग को ऑन नहीं कर लेते भाई चैनल बेकार है, इस चैनल पे काम करोगे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। चैनल सेटिंग क्या है दोस्तों इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहां भी आपको बहुत से कुछ एडिट करना है, पहले हम ये कर लेते हैं। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो एक पेंसिल का निशान बना होगा, ये पेंसिल, ठीक है। इस पेंसिल पर आप क्लिक करना, क्लिक करोगे दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर आपका नाम लिख के आ रहा है। ये कौन सा नाम है दोस्तों, ये जो आपके चैनल का नाम है वो है, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, इस आइकन पे क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे,
क्लिक करके दोस्तों आप जो भी अपने चैनल का नाम लिखना चाहते हो, अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखना चाहते हो, आप यहाँ पर टाइप कर देना दोस्तों, आपके चैनल का नाम हो जाएगा। लेकिन साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि आप 14 डेज के अंदर, 14 दिन के अंदर दोस्तों आप सिर्फ दो बार ही अपने यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो चेंज कर सकते हो। तो ध्यान से नाम चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पर सेव पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों आप देख सकते हो आपके चैनल का जो नाम है वो यहाँ पर सेव हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। प्लस नीचे दोस्तों हैंडल, हैंडल क्या होता है दोस्तों, हैंडल दोस्तों अगर आप किसी को कमेंट करोगे YouTube चैनल से, किसी को कमेंट करोगे दोस्तों, तो ये आपके हैंडल से ही कमेंट वहां पे शो करेगा उस बंदे को, ठीक है ना। तो ये हैंडल भी आप एडिट कर लेना, अपने हिसाब से आप हैंडल बना सकते हो। इसको भी दोस्तों आप यहाँ पेंसिल पे क्लिक करिएगा, क्लिक करके आप जो भी चाहते हो दोस्तों आप अपने हिसाब से हैंडल यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। अगर वो अगर हैंडल किसी ने नहीं लिया होगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तों अपने चैनल के नाम से दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और ये अवेलेबल है, ठीक है। तो आप बस यहाँ पर सेव पर क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हो। अब दोस्तों देखिए तो हमारा हैंडल का भी नाम यहाँ पर चेंज हो गया, ये हमारा चैनल का URL है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन होगा दोस्तों। आपको मैं साइड में अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन क्या दूं, आप देख सकते हो। आप जब भी किसी भी YouTube चैनल पे जाओगे वहां पर उसके अबाउट वाले सेक्शन में जाओगे ना, वहां पर जो भी चीजें आपको यहां पर दिखती है ना, ये सारा चीज दोस्तों जो एडिटिंग होती है आप यहीं से कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे यहां पे आपको क्लिक करना है पेंसिल वाले पे, यहां पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करके दोस्तों आप यहां पर जो चीजें भी लिखोगे ना दोस्तों, ये सारा आपके अबाउट में यहां पर शो करेगा, ठीक। 1000 वर्ड्स यहां पर मिलते लिखने के लिए, ठीक है। फिर आपको यहां पर सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको दोस्तों यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक यहाँ पे शो करते हैं ना, ये सब इसमें कैसे लिखे जाते हैं, ये दोस्तों भी आपको जब चैनल की इंपॉर्टेंट सेटिंग जब ऑन करेंगे वहां पर दोस्तों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने आप यहाँ पर नेम चेंज कर दिया, हैंडल कर लिया, URL आपके सामने शो कर रहा है, डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से हमने लिख लिया अबाउट, ठीक है। इन सबको कुछ आपको नहीं करना है, छोड़ देना है यहीं पर। ऊपर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो इस वाले कैमरे पर क्लिक करके दोस्तों आप अपने चैनल का लोगो लगा सकते हो, अपने चैनल का प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। और पीछे यहाँ वाले भी क्लिक करके दोस्तों अपने चैनल के लिए बैनर लगाओगे। बैनर क्या होता है अभी दोस्तों बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके चैनल का लोगो लगाते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, जिस भी फोटो को दोस्तों आप लगाना चाहते हो अपना लोगो यहाँ पर क्लिक करिए। सेट एज प्रोफाइल पिक्चर दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ देर में यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों आप अपना बैनर लगा सकते हो। यहाँ पर क्लिक करिए, चूज फ्रॉम योर फोटो पर क्लिक करिए, और यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो मैंने एक बैनर बना रखा है एकदम सिंपल सा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है सेव पर, क्लिक कर देंगे दोस्तों आपके पीछे यहाँ पर देख सकते हो बैनर लग गया होगा। अगर आप दोस्तों मेरा चैनल ओपन करोगे तो दोस्तों आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो कि मेरे चैनल का लोगो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको बैनर दिख रहा होगा। अगर आपको बैनर बनाना नहीं आता होगा दोस्तों तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आकर देख लीजिएगा, आपको सारे वीडियो के लिंक और बैक करते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो आपके चैनल का बैनर यहाँ पर लग गया, आपके चैनल का यहाँ पर फोटो लग गया, इतना तो आपने कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आपने जो भी हैंडल आपने बना रखा दोस्तों आपको यहाँ पर हैंडल शो कर रहा है, ठीक है। आपका सब्सक्राइबर 0 है, लेकिन अभी आपको सब्सक्राइबर कितने चाहिए, 1000 होने चाहिए तभी आप कमा पाओगे पैसे, ठीक है। तो इतना हो गया। अब दोस्तों अगर आप यहां पर क्लिक करोगे ना तो यहां पर आपको एनालिटिक्स शो करेगा कि आपके चैनल पर एक महीने में कितने व्यूज आए, कितना वॉच टाइम मिला, कितने सब्सक्राइबर आए, ये सब यहां पर शो करता है। अभी बिल्कुल नया चैनल तो यहां कुछ शो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल का देखो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि लास्ट 28 डेज के अंदर मेरे चैनल पर कितने व्यूज, कितने वॉच टाइम और कितने सब्सक्राइबर है दोस्तों आपको यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है। और यही सारा चीज दोस्तों जो भी एनालिटिक्स है यूट्यूब का, ये देखने के लिए स्पेशल ऐप आता है। अगर आप यूट्यूबर बनोगे तो आपको ये एप्लीकेशन जरूर चाहिए होगा दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो जिसका नाम है YT स्टूडियो। इस एप्लीकेशन में दोस्तों आप जाकर देख सकते हो कि आपके महीने भर में कितने व्यूज है, कितने सब्सक्राइबर है, ठीक है। ये सभी दोस्तों भी आपको, ठीक है। अभी दोस्तों देख सकते हो कि आपका YouTube चैनल यहाँ पर बन गया है, लेकिन अभी आप वीडियो अपलोड इस पर मत करना, ठीक है ना, क्योंकि आपको व्यू सब्सक्राइबर भी मिलने वाले नहीं है। चैनल के भी काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों, अभी 90% इंपॉर्टेंट सेटिंग बची हुई है जो अब हम चलते हैं उसको ऑन करने, ठीक है। उसको ऑन करने दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल फोन में यहाँ पर लिखा हुआ क्रोम ब्राउजर, ठीक है। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आप क्या करना, यहाँ पर अपर साइड में यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर आप लिखना स्टूडियो STU, एकदम ध्यान से लिखना दोस्तों ये स्पेलिंग, बहुत लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं, ठीक है। लिखना पूरा अच्छे से लिखना studio.youtube.com, ठीक है, ऐसे लिखना है studio.youtube.com लिखना है, ठीक है। बहुत से लोग जब यहाँ पर लिखते हैं ना तो उनको यहाँ नीचे ये शो कर देता है, तो लोग यहीं पर क्लिक कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे दोस्तों तो कुछ और पेज खुल जाएगा, यहाँ मत क्लिक करना, ठीक है ना। आपको पूरा लिखना होगा यहाँ पर, आप ऊपर देख सकते हो बिना स्पेस लगाए, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, ठीक। इतना लिखने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर गो पे क्लिक करिएगा, आपके सामने दोस्तों कुछ इस टाइप का पेज ओपन होकर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप कंफर्म कर लेना कि आपका वही चैनल है ना जो आपने अभी नया नया बनाया था, आप देख लेना यहाँ पर, आप यहाँ पर जाना साइड में यहाँ पर, ठीक है, इस आइकन पर क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपको स्विच अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, स्विच अकाउंट आप यहाँ पर क्लिक कर लेना और आपका जो भी अकाउंट है, जो भी मतलब URL ID से अपने चैनल बना रखा था, आपका सारे चैनल आपको यहाँ पर शो करेंगे। आपका जो भी चैनल दोस्तों जो आपने नया बना रखा है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मेरा यही चैनल है जिसको मैंने अभी नया नया बनाया है, ठीक है, इसी को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपके सामने इस चैनल का स्टूडियो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप आपके सामने यहाँ पर शो करेगा। अब दोस्तों यहीं पर आपको जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो आपको मिलेगा जो आपको सही करना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना एकदम नीचे साइड में, आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो आपको एक यहाँ पर सेटिंग का आइकन बना होगा, सेटिंग का, ठीक है। आपको यहीं पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक पेज ओपन कर आएगा जहां पर लिखा होगा सेटिंग्स। यहीं से दोस्तों आप अपने चैनल की इंपॉर्टेंट सेटिंग जो है उसको ऑन करना है। ध्यान से देखना क्या क्या सेटिंग है। यहाँ पर दोस्तों आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा चैनल, ठीक है। इस चैनल पे आप क्लिक करना,
क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहला काम करना है जो फीचर एलिजिबिलिटी है ना, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ऑन करना बहुत जरूरी है, वरना आप यूट्यूब पे कुछ कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे आपको तीन चीजें शो कर रहा होगा, एक ये। ठीक है, पहला वाला जो है दोस्तों वो तो इनेबल है, इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन दूसरा वाला दोस्तों अभी इनेबल नहीं हुआ है, तीसरा भी इनेबल नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम पहले दूसरा वाला जो है ये वाला है इसको इनेबल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पर लिखा होगा वेरीफाई फोन नंबर। ठीक है, आपको अपना कोई भी एक फोन नंबर आपको इससे अटैच करना पड़ता है, आपको अपने YouTube चैनल से, तभी वेरीफाई होता है। ठीक है, आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो दोस्तों, अगर आप ये कर लोगे, वेरीफाई कर लोगे, तभी दोस्तों आप अपने वीडियो पर थंबनेल लगा सकते हो, जो पोस्टर होते हैं, जो भी पोस्टर देखकर आपने इस वीडियो को ओपन किया होगा। अब जैसे अपने YouTube एप्लीकेशन ओपन करते होंगे तो आपको बहुत ढेर सारे वीडियो दिखते होंगे आपके होम पेज में। ठीक है, उन सारे वीडियो दोस्तों एक फोटो लगा रहता है ऊपर, जो पोस्टर लगे रहते हैं जिसको हम थंबनेल कहते हैं। ठीक है, वो तभी आप लगा पाओगे दोस्तों जब आप यहाँ से वेरीफाई कर लोगे अपना फोन नंबर। ठीक है, और ये सारा काम तभी आप कर पाओगे। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, इसी वेरीफाई फोन नंबर पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे दोस्तों आपका पेज ओपन होकर आएगा, ध्यान से देखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपके नंबर पे एक ओटीपी आता है। ठीक है, आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना होता है। चलिए हम पहले यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी आता है। आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर ओटीपी आ गया, अब इसको यहाँ पर फिल कर लेना है, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो भी फोन नंबर है ये वेरीफाई हो गया है, फोन नंबर वेरीफाई हो गया दोस्तों। तो अब आप अपने वीडियो पर थंबनेल लगा सकते हो, पोस्टर लगा सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करना दोस्तों, यहाँ से इसको बैक कर लीजिए। तो आप देख सकते हो ये भी इनेबल हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पर दो चीजें हमारा इनेबल हो गया, पहले से इनेबल था ये और ये भी इनेबल हो गया। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट वाला जो बचा है ना थर्ड, इसको इनेबल करना है। ये कैसे इनेबल होगा, आप यहां पर क्लिक करना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, यहां पर लिखा होगा एसएस फीचर। ठीक है, यहीं पर आपको क्लिक करना है। आप यहां पर तीन चीज से आप यहां पर वेरीफाई कर सकते हो, जैसे वीडियो वेरिफिकेशन है, वैलिड कोई आईडी लगा दीजिएगा, या फिर चैनल हिस्ट्री से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहां पर क्लिक करना एसएस फीचर पे। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा, आप यहां पर साइड में यहां पर देख सकते हो। ठीक, यहां पर दोस्तों जो सबसे ईजी है वो है दोस्तों यहां पर वीडियो वेरिफिकेशन। तो आप क्या करना दोस्तों, यहां पर क्लिक करना, क्लिक करने में दोस्तों यहां पर नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करोगे दोस्तों तो यहां पर आपको सामने यहां पर बता रहा है कि आपका जो भी आपने ईमेल आईडी का यूज करके हमने चैनल बनाया था, उसी ईमेल आईडी पे दोस्तों यहां से एक मैसेज आएगा। ठीक है, तो आप यहां पर गेट मेल पे क्लिक कर देना। अब आपके उसी ईमेल आईडी पे एक मेल यहां से चला गया। अब आप दोस्तों आपको वहां पर वेरीफाई करना होगा, वीडियो वेरिफिकेशन करना है। कैसे करना होगा दोस्तों अभी आपको दिखाता हूं। ठीक है, डन पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपके मोबाइल फोन में दोस्तों यहां पर एक एप्लीकेशन होगा जिसका नाम है यहां पर जीमेल। ठीक है, जीमेल आपको यहां पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपने जो भी ईमेल आईडी अभी बनाया था अपने चैनल के लिए उसी को ओपन कर लेना है। जब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे सबसे नीचे आपको यहाँ पे शो करता रहेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर गूगल की तरफ से एक मेल आ चुका है। ठीक, बस आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो वीडियो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बोल रखा है, तो आप स्टार्ट वेरिफिकेशन पे यहाँ पे क्लिक करना। ध्यान से देखते रहो, हर एक स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप क्रोम यूज कर लो। यहाँ पर दोस्तों आपको वीडियो वेरिफिकेशन करना रहता है, बहुत इजी स्टेप है दोस्तों। आपको अपने मोबाइल फोन को अपने हाथ में कुछ इस तरीके से पकड़ रखना रहेगा और आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने वहां पर एक बिंदी होगा, ऐसे बना होगा डॉट, उसको आप देखते रहिएगा, इधर उधर मूव करेगा, बस देख लोगे ना अपने आप यहाँ वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे टिक वाले पे क्लिक कर देना और आई एग्री पे क्लिक कर देना, आपका कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना, आपका कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आप वेरीफाई कर लेना। जब आप दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई कर लोगे तो दोस्तों आपका ये जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ये भी यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तकरीबन 24 घंटे टाइम लगता है, उसके बाद दोस्तों अपने आप ये इनेबल हो जाएगा अगर आप वेरीफाई कर दोगे तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा सेटिंग मिलता है एडवांस सेटिंग। ठीक है, एडवांस सेटिंग के अंदर जाना, यहाँ पर भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ध्यान से समझना इसको। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, डू यू वांट सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स, क्या आप चाहते हो कि आपका ये जो चैनल है ये बच्चों को दिखाया जाए। अगर आप दोस्तों यहाँ पर यस पर क्लिक कर दोगे तो आप जो भी वीडियो अपलोड करोगे अपने चैनल पर, आपकी वीडियो दोस्तों YouTube सिर्फ बच्चों को रिकमेंड करेगा, बच्चों को दिखाएगा, बड़े लोगों के पास तो आपकी वीडियो भेजेगा ही नहीं, फिर आपकी वीडियो पे कहां व्यूज आएगा दोस्तों, अगर आप यस पे करोगे तो। अगर आप बच्चों के लिए चैनल बनाया हो स्पेशली फॉर किड्स के लिए, तभी आप यस पे करना। अगर आप दोस्तों ऐसा वीडियो बनाया था कि 15 साल 16 साल 18 साल 20 साल के बच्चे देख सकते हैं, तो दोस्तों आप क्या करना, नो पे क्लिक कर देना। अगर नो पे क्लिक कर दोगे दोस्तों तो आपकी वीडियो YouTube बड़े लोगों के पास भी रिकमेंड करेगा। ठीक है, और वो लोग आपकी वीडियो पे कमेंट भी कर पाएंगे। ठीक, अगर यस पे क्लिक कर दोगे तो आपकी वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वो ऑफ हो जाएगा अपने आप से, तो ध्यान देना इस बात का। तो आप यहां पे नो पे सेट कर देना, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा, जाहिर सी बात है मैं चाहता हूं कि बड़े लोग ही वीडियो देखें, तो बच्चों के लिए मतलब किड्स के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा, तो यहां पे नो पे आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप फीचर एलिजिबिलिटी कर दिए, एडवांस सेटिंग हो गया, बेसिक इन्फो में आएगा। बेसिक इन्फो में दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा कंट्री ऑफ रेसिडेंस, आप किस कंट्री के हैं दोस्तों, आपका चैनल किस कंट्री का है, आप यहां पे क्लिक करिएगा और आप जो भी आपकी कंट्री है, लाइक मेरी कंट्री इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप YouTube को यहां से आप बता रहे हो कि आपका जो चैनल है इंडिया का है। ठीक है, तो आप इंडियन लैंग्वेज में वीडियो बनाओगे तो आपकी वीडियो YouTube इंडिया के लोगों को ज्यादा रिकमेंड करेगा। बहुत से लोग सेटिंग ही नहीं करते, फिर उनकी वीडियो पता नहीं दूसरे कंट्री में YouTube दिखा देता है, उनके व्यूज नहीं आते, तो इसलिए आप यहां पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ध्यान से यार इंडिया सेलेक्ट कर लेना। अब नेक्स्ट दोस्तों नीचे देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ कीवर्ड्स,
ये दोस्तों तो ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको चैनल कीवर्ड्स कहते हैं दोस्तों। आपके चैनल का जो भी नेम है दोस्तों आप यहाँ पर जरूर लिख देना, आपके चैनल का जो भी नेम है, आपके चैनल की जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी क्या दोस्तों भी आपको आगे बताऊंगा ठीक है। ये सारा यहाँ पे लिखना होता है दोस्तों, इसलिए लिखना होता है क्योंकि दोस्तों मान लो अगर आपका चैनल यूट्यूब पर जाकर अगर आप सर्च करोगे तो हो सकता है कि आपका चैनल सर्च करने पर आता ही ना हो, क्योंकि अगर आप कोई चैनल यूट्यूब पर सर्च करते हो तो आपके सामने शो कर देता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने इस कीवर्ड के अंदर अपने चैनल का नाम लिखते हैं तो उनका चैनल शो करता है ठीक है। ठीक है, अभी जो मेरे चैनल का नाम दोस्तों यहाँ पर लिखना होगा तो आप स्मॉल लेटर में लिख दीजिएगा, कैपिटल लेटर में लिख दीजिएगा ठीक है, स्पेस देकर लिख लीजिएगा, विदाउट स्पेस लिख दीजिएगा, यहाँ पर भर दीजिएगा। आपके चैनल दोस्तों जो भी यहाँ पर कैटेगरी हुई दोस्तों आप यहाँ पर अपना कैटेगरी जरूर लिख लीजिएगा ठीक है, ताकि उसी कैटेगरी वाले लोगों के पास आपकी वीडियो यूट्यूब रिकमेंड करेगा। तो यहाँ पर लिखने के बाद दोस्तों आप क्या करिएगा, आप यहां पर आएगा सेकंड सेटिंग पे ठीक है ना, यहां लिखा होगा अपलोड डिफॉल्ट, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको मिल जाएगा एडवांस सेटिंग, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है, यहां पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो यहां पर एक ऑप्शन आएगा कैटेगरी, आपका चैनल किस कैटेगरी का है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो आप यहां पर क्लिक करिएगा, आपके सामने बहुत सारे यहां कैटेगरी आ जाएंगे। ये दोस्तों यूट्यूब की कैटेगरी है दोस्तों जिसमें लोग यहां पर वीडियो बनाते हैं। अगर आप भी एक चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी भी कोई ना कोई कैटेगरी होगी, या फिर हो सकता है आप गेमिंग करते हो, या फिर कॉमेडी वीडियो बनाते हो, या फिर एजुकेशनल वाली वीडियो, जो भी वीडियो ठीक है। अब मान दोस्तों कि मैं जो चैनल बना रहा हूं ये ब्लॉग वाले चैनल है ठीक है, अगर मुझे ब्लॉग बनाना है तो यहां पर एक मेरा मिल गया कैटेगरी पीपल एंड ब्लॉग्स का, तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्या होगा दोस्तों कि जो यूट्यूब पर जो भी लोग ब्लॉग देखते होंगे, दूसरों की वीडियो देखते होंगे, ब्लॉग देखते होंगे, उन लोगों के पास यूट्यूब मेरी वीडियो रिकमेंड करेगा क्योंकि दोस्तों मेरी भी कैटेगरी ब्लॉग वाली, और जो लोग भी ब्लॉग बनाते होंगे उन्हीं के ऑडियंस तक हमारी वीडियो को यूट्यूब पहुंचाएगा। अब यूट्यूब को पता चल गया भाई कि ये जो चैनल है ये किस कैटेगरी का है, तो आप अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा या फिर क्या कैटेगरी है और यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इतना कर लीजिएगा फिर दोस्तों साइड करिएगा, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पर वीडियो लैंग्वेज देख सकते हो, वीडियो लैंग्वेज मिलेगा ठीक है। आपको यहां पर क्लिक करना है, क्लिक करके दोस्तों आपकी जो भी लैंग्वेज है दोस्तों आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। लाइक यहां पर जो भी मैं वीडियो बनाता हूं हिंदी में बनाता हूं, तो हमको यहां पर हिंदी सेलेक्ट कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो लोग भी हिंदी में वीडियो देखते होंगे उनके पास आपकी वीडियो पहुंचेगी ठीक है। तो हम यहां पर हिंदी सेलेक्ट कर लिए, आप देख सकते हैं यहां पर हिंदी सेलेक्ट कर लिए, और फिर दोस्तों आपको यहां पर लिखा हुआ दिख जाएगा बेसिक इन्फो, आप यहां पर क्लिक करना। क्लिक करके दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन होगा विजिबिलिटी, विजिबिलिटी विजिबिलिटी क्या होगा दोस्तों, अगर आप जो वीडियो अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद दोस्तों अगर विजिबिलिटी पे अगर आप क्लिक करो, यहां पर तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको यहां पर ठीक है, एक मिलेगा पब्लिक, एक प्राइवेट, एक अनलिस्टेड। तो यहां पर क्या करना दोस्तों कि आप अनलिस्टेड पे क्लिक कर लेना, अनलिस्टेड पे ठीक है ना। अनलिस्टेड क्यों करना है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड देखो दोस्तों, मैं आपको एकदम एंड में बताऊंगा कि अनलिस्टेड क्यों करना है। वहां पर दोस्तों जब आप वीडियो अपलोड करोगे ना तभी इसकी जरूरत पड़ती है, मैं आपको ये एंड में बता दूंगा ठीक है ना। आप अनलिस्टेड यहां पर कर लेना, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि आपके चैनल की जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग थी आपने यहां से कर लिया। फिर आपको दोस्तों यहां पर लिखा होगा सेव, आपको यहां पर क्लिक करना बहुत जरूरी है सेव पर, जब आप सेव पर क्लिक करोगे तभी सेटिंग आपकी सेव होगी। तो यहां से आपने सेटिंग सभी कर लिया, लेकिन अभी और भी सेटिंग्स बची है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा ठीक है दोस्तों। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर आपको एक आइकन मिलेगा कस्टमाइजेशन का ठीक है, कस्टमाइज करना बहुत जरूरी है। आप जैसे यहां पर क्लिक करोगे ना तो आपका चैनल कुछ इस टाइप का यहां पर शो कर रहा है, आप देख सकते हो ठीक है, जिसका नाम है चैनल कस्टमाइजेशन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये आपके चैनल ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। यहां पर दोस्तों देख सकते हो वीडियो स्पॉटलाइट के अंदर दो चीजें यहां पर आपको दिख जाएंगी। यहां पर दोस्तों आप वीडियो को सेट कर सकते हो, मतलब आप यहां पर समझो यहां पर आप एक ट्रेलर लगा सकते हो, जो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जब भी आपके चैनल पर पहुंचेंगे दोस्तों आप उनके सामने आपकी वीडियो शो करेगा, बड़ा सा आपका वीडियो यहां पर दिखेगा ठीक है। और आपके चैनल पर जो भी सब्सक्राइबर है ठीक है, वो जब भी आपके चैनल पर जब भी विजिट करेंगे दोस्तों रिटर्निंग सब्सक्राइबर, उनको ये वाली वीडियो शो करेगा जो आप यहां पर सेट करोगे। सेट करने का ऑप्शन दोस्तों आपको यहां पर मिल जाता है, ऐड पे क्लिक करके आप कर सकते हो। जैसे मैं यहां से आप ये कर लीजिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपके चैनल पर जब भी कोई पहली बार विजिट करे आप कोई अच्छी वीडियो यहां पर लगा देना, ताकि उस वीडियो को लोग देखकर आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ठीक है। तो यहां से आप ये कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर लिखा होगा ब्रांडिंग, ब्रांडिंग पे क्लिक करके दोस्तों अगर आप चाहो तो अपने चैनल का जो भी आपको पहले बता रखा था, चैनल का लोगो लगाना, बैनर लगाना, ये सब आप यहां से कर सकते हो, ये आपने पहले कर दिया था। यहां पर लिखा होगा बेसिक इन्फो, यहां पर क्लिक करना दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। यहां पर दोस्तों अपने चैनल का नाम जो था आपने पहले ही सेट कर लिया, यहां पर हैंडल बना लिया है, डिस्क्रिप्शन भी आपने लिख दिया। अब दोस्तों बात करते हैं लिंक का, यहां पर लिखा हुआ ऐड लिंक। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि मेरे चैनल पर आप जाओगे तो यहां पर आपको काफी लिंक दिख रहे होंगे, आप देख सकते हो यहां पर आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिख रहा होगा, यहां पर सब दिख रहा है ना, ये लिंक आप यहां से ऐड कर सकते हो। आप यहां पर क्लिक करना ऐड लिंक पर, यहां पर आ गया। किसका लिंक लगाना चाहते हो आप यहां पर लिख देना, जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया इंस्टाग्राम। अब यहां पर लिख दिया हो ये आपको शो करेगा, और यहां पर दोस्तों आपको जो भी यूआरएल है आपको यहां पर दे देना है ना, मतलब आप यहां पर दे देना ठीक है। हम यहां पर लिख दिया, लिखने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर कि आप 5 लिंक यहां पर आप लगा सकते हो अपने हिसाब से ठीक है। अब दोस्तों इतना करने के बाद दोस्तों यहां पर सबसे ऊपर साइड में यहां पर लिखा होगा पब्लिश, बस आप पब्लिश पे क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप पब्लिश पे यहां पर क्लिक कर दोगे आपकी जो भी सेटिंग्स थी ये सारा यहां पर ऑन हो गया और सब यहां पर सेट हो चुका, आप देख सकते हो। अब दोस्तों अगर आपने चैनल को देखोगे तो किस तरह दिखेगा, यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो, व्यू चैनल पर क्लिक करके आपका चैनल दोस्तों कुछ इस टाइप पर यहां पर शो करता हुआ दिखेगा। आप दोस्तों यहां पर देख सकते हो, इसके अबाउट में जाओगे, अबाउट में दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर आपको लिंक भी शो करने लगा जो मैंने अभी यहां पर लिखा था।
डिस्क्रिप्शन दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख लीजिएगा, जैसे मैंने अपने चैनल का लिख रखा है। और ये दोस्तों चैनल आप देख सकते हो, चैनल किस दिन बना हुआ था आपको यहाँ पर साफ साफ शो कर रहा है। आप अगर अपने चैनल देखना चाहते हो कि आपका चैनल किस दिन बना था, आप यहाँ से देख सकते हो, आपका यहाँ पर डेट दिखा देता है जिस दिन से आपने चैनल बना रखा है, यहाँ पर आपको शो कर देगा। ठीक है, आपने अपना फोन नंबर वेरीफाई कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको यूट्यूब चैनल से अर्निंग करनी है दोस्तों, तो आपको अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होते हैं। सब्सक्राइबर कैसे पूरा करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। आप दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर एक आपको मोनेटाइजेशन का पेज मिल जाता है। आप इस डॉलर वाले निशान जब क्लिक करोगे तो आपके सामने दोस्तों ये ऑप्शन आएगा। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, आपको अगर पैसे कमाना यूट्यूब से तो आपको यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हो 1000 सब्सक्राइबर आपको यहाँ पर कंप्लीट करने होते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करने होते हैं, वो भी 12 महीने के अंदर। ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं कर पाओगे दोस्तों 12 महीने के अंदर तो क्या होगा, उसका भी लिंक दोस्तों आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप एक बार क्लिक करके सारी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कितना कंप्लीट कर लोगे दोस्तों तो आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हो। ठीक, इतना सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपका चैनल पूरे तरीके से तैयार है, सारे सेटिंग्स आपने ऑन कर लिया। ठीक है, अब आप अगर आप चाहो तो अपने चैनल पर अपने वीडियो अपलोड कर सकते हो। बट दोस्तों ऐसे वीडियो अपलोड मत करना, मैं आपको बताऊंगा वीडियो कैसे अपलोड करना, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, उससे पहले दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं कि क्या तरीका है, किस तरीके से अपने सब्सक्राइबर को आप इंक्रीज करोगे, कैसे आप 1000 सब्सक्राइबर आप एक हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये तरीका